नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशिक राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। आज के सेशन में हम बताएंगे आपको कि ओरेकल डेटाबेस से डंप कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस सेशन में बात करेंगे कि डेटाबेस से डंप कैसे निकालते हैं और उसको कैसे सेव करते हैं, उसका क्या कमांड होता है प्रॉपरली, उसको हम एक्सपोर्ट करके आपको बताएंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सेशन में बात करने वाले हैं कि डेटाबेस से डंप कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और उसको कैसे सेव करते हैं, कैसे उसका कमांड क्या होता है SQL में कहाँ, और वो कमांड कहाँ पे हम रन कराते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको मैसेज जाए। तो उस वो जो कोड होता है SQL का, उसको सब कहाँ पर रन कराते हैं, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में रन कराते हैं। तो हमारे पास दो यूजर है, एक प्राइम HQ और एक एफरेज HQ। तो यहाँ पे उसका कमांड होता है सबसे पहले सेट ओरेकल _SID इज इक्वल टू आपका डेटाबेस नेम। सेट ओरेकल _SID इज इक्वल टू आपका डेटाबेस नेम और हिट इंटर करेंगे आप। ये जो ओरेकल है ये आपका डेटाबेस नेम है, आपका जो भी डेटाबेस नेम हो वो आपको वहाँ पे डालें। उसके बाद एक कमांड होता है एक्सपोर्ट के लिए, exp फॉर एक्सपोर्ट। उसके बाद यूज़र नेम, मेरा यूज़र नेम एफरेस है, / पासवर्ड, मेरा भी पासवर्ड एफरेस है, और डेटाबेस @ओरेकल। यहाँ पे मेरा डेटाबेस मैंने क्रिएट किया हुआ है ओरेकल से, और कहाँ पे हमको फाइल, जो फाइल हमको एक्सपोर्ट करना है उसका पाथ देंगे, कहाँ पे हम पाथ मतलब कि हम डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम पाथ देंगे हम डी में हम fs.dmp। जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो .dmp एक्सटेंशन है ये डंप फाइल का, फुल। उसके बाद स्पेस के बाद फुल इज इक्वल टू y सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ एक कोड है फुल इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे देख लेंगे कि पहले से यहाँ पे fs.dump नहीं है ना, हम जहाँ पे पाथ दिए हैं वहाँ पे हम चेक करेंगे कि पहले से ही fs.dump तो पड़ा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं पड़ा है। आप देख सकते हैं कि डी ड्राइव में fs.dmp फाइल नहीं पड़ा है। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड टू मैसेज दिखा दिया ओरेकल डेटाबेस 10G। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डी ड्राइव में यहाँ पे fs.dmp फाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अगर आप भी अगर ओरेकल डेटाबेस में इंटरेस्टेड हैं, कोई काम कर रहे हैं ओरेकल से रिलेटेड, तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है, और ओरेकल से डंप कैसे निकालते हैं ये कोड जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डेटाबेस में काम करते हैं तो आप डंप कैसे निकालते हैं, डेटाबेस से बैकअप कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पर वहाँ पर आप उसको बता सकते हैं कि हमने ये कोड रन करा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, करते हैं हम डेटा को डेटाबेस से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ओरेकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करता हूं, बहुत सारी जानकारी देता हूं आप लोगों को। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो और भी जानकारी आपको होगी, आप मेरे वीडियो को देखेंगे। चलिए, इसमें बहुत सारे आ रहे हैं तो मैं जस्ट
कैसे डंप ले जाते हैं वो मैंने बताया, ये कैसे क्वेरी चलाया जाता है तो वो मैंने बताया। तो यहाँ पे डंप क्रिएट हो जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा डेटा है उसमें, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं रन कराया, बस जस्ट एज रन करा के दिखा दिया कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह से मेरा दूसरा यूज़र है, ओरेकल है, तो दूसरे यूज़र के लिए फिर से कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और सेट ओरेकल अंडरस्कोर SID इज इक्वल टू आपका डेटाबेस नेम। मेरा डेटाबेस नेम ओरेकल है, तो अभी एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे यूज़र से डेटा। तो PrimeHQ मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड स्लैश के बाद पासवर्ड PrimeHQ @ मेरा डेटाबेस है ओरेकल। यहाँ पे याद रखें, ये कमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कोई कोई भी पूछ सकता है आपसे, जो भी ये डेटाबेस में इंटरेस्टेड होगा वो आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे पाथ देंगे फाइल का, कहाँ पे हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो फाइल इज इक्वल टू D, उसके बाद prime.tmp फुल इज इक्वल टू Y, जस्ट इतना ही कमांड है इसका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे विंडो विंडो में देख सकते हैं, लोकल डी ड्राइव में आप देख सकते हैं कि prime.dmp फाइल एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे फाइल क्रिएट हो रही है, अभी जस्ट 0 का भी है, अभी क्रिएट हो रही है। इसमें भी बहुत सारे डेटा हैं, तो मैंने जस्ट कैसे डंप चलाते हैं तो मैंने बता दिया। तो आप अगर आप अपने डेटाबेस से ऐसे कनेक्ट करके आप चलाएंगे तो आपको ज़रूर ये डंप फाइल एक्सपोर्ट होगी, और आप कहीं भी इस डंप फाइल को कहीं भी जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं ये इसके डंप डेटा को। इस तरह से आप डंप फाइल निकाल सकते हैं ओरेकल डेटाबेस 10G से, जैसा कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ ओरेकल डेटाबेस 10G। जस्ट उसका कमांड ये है, मैं इसका कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने मेरा एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके ये सब पढ़ सकते हैं, एज ए थ्योरी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का मैं नाम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ पे, ठीक है? तो आप वहाँ पे भी इसके बारे में आप जाके वहाँ पे थ्योरिटिकल पढ़ सकते हैं, और अगर वीडियो देखना हो तो ये मेरे वीडियो यूट्यूब पे आके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप